मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूं इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। श्याम वैसे तो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी की वजह से हर वक्त इसी उलझन में रहता था कि मैं सही निर्णय ले पा रहा हूँ या नहीं, या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ या नहीं। इसी वजह से वो कई बार मेहनत करने के बाद भी स्वयं का नुकसान कर लेता था। एक बार एक गुरु से उसने अपनी समस्या का समाधान पूछा। गुरुजी ने कहा, बड़ा आसान है, मैंने कई वर्षों तक तप करके एक सिद्ध मोती प्राप्त करा था जो मैंने इस अंगूठी में लगवा रखा है। यह अंगूठी तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। अगर तुम यह अंगूठी हमेशा अपने पास रखोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। यह अंगूठी हर पल तुम्हें शक्ति देगी, शांत रखेगी और तुम्हारी सहायता करेगी। पर इसके लिए तुम्हें एक रात शमशान में बैठकर पूजन करते हुए गुजारना पड़ेगी। श्याम शमशान का नाम सुनते ही डर गया। पहले तो उसे लगा यह असंभव है, लेकिन उसने फिर सोचा, रोज परेशान होने से तो बेहतर है कि एक रात कैसे भी शमशान में पूजा करते हुए गुजार ली जाए। उसे लगा कि अगर सफल होना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह श्याम बहुत खुश था, क्योंकि शमशान में रात गुजारने के बाद भी वह सकुशल था और उसे विश्वास हो गया था कि गुरुजी की दी हुई अंगूठी की ताकत की वजह से अब उसे कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। वह सीधे अपने गुरु के पास गया और उनको धन्यवाद दिया। गुरु ने श्याम से कहा, बस इस अंगूठी को हमेशा साथ रखना, तुम्हारा कोई भी काम कभी भी नहीं रुकेगा। अब अंगूठी श्याम के अंग का हिस्सा बन गई थी। एक तरीके से कह सकते हैं श्याम का अंग ही बन गई थी। सोते जागते हर समय वह उसको अपने साथ ही रखता था। श्याम उस दिन से पूरा बदल गया था। अब वह पूरे विश्वास के साथ मेहनत करता था। धीरे धीरे श्याम को सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हुए और अंततः वह सफल हो गया। एक दिन धन्यवाद देने के लिए श्याम गुरुजी के पास पहुंचा और अंगूठी की वजह से मिली सफलता की कहानी गुरुजी को सुनाने लगा। गुरुजी ने एकदम शांत रहते हुए उसकी बातें सुनी। उसके बाद अंगूठी के साधारण होने की कहानी श्याम को सुनाई और कहा, यह सफलता तुम्हें अंगूठी से नहीं बल्कि स्वयं पर किए गए विश्वास की वजह से मिली है। गुरुजी की बात सुनकर श्याम हैरान था, लेकिन आज उसे सफलता का गुरु मंत्र मिल चुका था। जी हाँ, सफल होने के लिए हमें बस इसी गुरु मंत्र, यानी जब जब इंसान ने स्वयं पर विश्वास रखा है उसने हर विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। याद रखिएगा, बिना आशा, लक्ष्य, विश्वास की भावना के कुछ भी करना असंभव है। हम सभी के बाजुओं में और विचारों में ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि हम विपरीत बहाव में भी तैरकर दरिया पार कर सकते हैं।